हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का अनोखा विरोध, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लापता के पोस्टर लगाए गए हैं, कंगना रनौत के भी पोस्टर लगाए गए हैं। खुद को किसान नेता बताते हैं दुष्यंत चौटाला, ये बात किसानों ने कही है। पिछले ढाई महीने से कहां है दुष्यंत, ये बात किसानों ने कही है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का अनोखा विरोध देखने को मिला है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर लापता के पोस्टर लगाए गए हैं और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुमशुदा की तलाश लिखकर यह पोस्टर लगाया गया है। तो लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और अब किसान जो है समर्थन न देने, किसान जो है वो लगातार एक तरफ कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ यह अनोखा प्रदर्शन भी सामने आया है, जहां डिप्टी सीएम की गुमशुदगी की पोस्टर लगाई गई है, कंगना रनौत के भी पोस्टर लगाए गए हैं। यहां पर तो अनोखा प्रदर्शन सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने किया है। किसानों का कहना है कि खुद को किसान नेता बताने वाले दुष्यंत चौटाला कहां हैं, पिछले ढाई महीने से वो कहां हैं, ये बात वहां किसानों ने कही है। तो सिंघू बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया है, अनोखा विरोध जताया है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पोस्टर लगाए गए हैं। गुमशुदगी की ये पोस्टर वहां पे लगाई गई है, जहां पर किसानों ने साफ कहा है कि किसान खुद को किसान नेता बताने वाले दुष्यंत चौटाला आज कहां हैं, पिछले ढाई महीने से वो कहां हैं, ये बात किसानों ने कही है। तो खुद को किसान नेता बताने वाले दुष्यंत चौटाला कहां है, किसानों ने अपने अनोखा विरोध के दौरान ये बात कही है। तो लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। एक तरफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, तो दूसरी तरफ शाम 7 बजे गृह मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात होनी है और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कल कुछ समाधान निकल सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लाजपत, जानना चाहेंगे ये पोस्टर जो लगाई गई है इसको लेकर अब किस तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, खास करके गुमशुदगी की जो है तलाश की जा रही है डिप्टी सीएम की। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक अनोखा जो है किसानों ने रूप दिखाया है और इसमें लेकर कहीं ना कहीं जो है ये जो गुमशुदा का एक वो लगाया है पोस्टर, जिसको लेकर किसानों ने बताया है कि गुमशुदा है, इनकी तलाश जारी है। तो ये कहीं ना कहीं जो किसानों का एक अलग से जो पोस्टर लगाया गया है, गाड़ी पर पोस्टर है, ये इसी धरने पर है। और जो शाम को जो बैठक बुलाई गई है वो 13 लोगों की बैठक बुलाई गई है, अमित शाह के साथ बैठक है और इसमें क्या निर्णय निकलता है, क्योंकि कल की भी बैठक है और आज अमित शाह ने जो बैठक बुलाई है इसमें क्या साफ निकल के आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी क्या लाजपत, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये गुमशुदगी के लिए जो पोस्टर वहां लगाई गई है उस पर जेजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए पोस्टर वहां लगाया गया है? जी बिल्कुल, किसान जो कहीं ना कहीं नाराज है इस बात को लेकर ये पोस्टर बयान करता है कि जो है ये जो लगाया गुमशुदा का जी, कहीं ना कहीं एक अनोखा जो किसानों ने अलग तरीके से, क्योंकि जो साझा जो सरकार है इसको रोष जताते हुए ये पोस्टर लगाया गया है, जो कि गाड़ी पर पोस्टर है और धरने पर ही ये पोस्टर है। इससे संकेत होता है कहीं ना कहीं जो हरियाणा भी अब इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार साझा सरकार है और इस पर लगातार किसानों की टिप्पणी ये एक अपने आप में खतरा महसूस करते हुए बताते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर चिंता का विषय है, क्योंकि जो सरकार ने जो ये अब जो लगातार जो आंदोलन की अलग तरीके से जो किसानों ने दिखाया और ये पोस्टर लगाया गया है कि गुमशुदा तलाश की जो है ये बात सामने आई है। जी
लाजपत ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश की सियासत है वो गर्मा गई है, लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर सवाल उठाती रही है, और कल भी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि जेजेपी जो है वो कुर्सी से चिपकी हुई है और इस मुद्दे पे खुलकर सामने नहीं आ रही है, तो क्या जब ये पोस्टर लगाने का ये मायने निकाला जाए कि अब जेजेपी जो है वो उस पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने इस तरह के कदम उठाए, क्योंकि कई विधायक जो हैं जेजेपी के वो किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं, दिग्विजय चौटाला भी आके सामने बोल कई बार बयान देते हैं, लेकिन अभी दुष्यंत चौटाला का खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, ये एक अपने आप में सवाली निशान खड़ा होता है, क्योंकि अब सभी पार्टियां जो किसान आंदोलन में है वो शामिल होती हुई नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं जो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये मंथन की भी बात जरूरत है, क्योंकि सरकार जेजेपी और जो बीजेपी का जो गठबंधन की सरकार है ये भी अब कहीं ना कहीं काले बादल इस पे छाने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जो काले बादल इसलिए कि चिंता की जरूरत है और मंथन की जरूरत है, क्योंकि मेरे एनसीआर सोनीपत की बात करें तो कुंडली एरिया और जो सिंघू बॉर्डर है यहाँ पर धुएं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक ये धरना है, और हरियाणा के अंदर बिल्कुल एंटर करता हुआ लंबा एक दौर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के लोग अब लगातार इसमें शामिल होते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। या तो वक्त रहते लोगों को समझा दिया जाए या किसानों को समझा दिया जाए, वरना आने वाला वक्त और भी टाइट हो सकता है, क्योंकि किसान जो आंदोलन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता इसमें चिंता में फंसी हुई है। अगर बात करें तो जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, और जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली से आवागमन करते हैं, तो व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई है, व्यापारी मीडिया के सामने तो आने से इनकार कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो दहशत में है, और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के जो आंदोलन लगातार हरियाणा में है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि काफी ऐसे आंदोलन हो। चलिए लाजपत, आप नजर बना रखिए इस तमाम जानकारी।